नमस्कार, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरा नाम है राकेश। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताएंगे कैसे यूट्यूब के अगर कोई अकाउंट में प्रॉब्लम आते हैं तो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग ही आज इस वीडियो में बात करेंगे, फिर जल्द डिटेल्स में जानेंगे कैसे आप बात कर सकते हैं। तो पहले क्या होता है, अगर आपका चैनल में कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप चाहते हो उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन आप खुद डायरेक्टली यूट्यूब टीम से या गूगल टीम से आप जानना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बात करना होता है। और इसके लिए बहुत प्रोसेस होता है, आपको जाना पड़ता है, सेटिंग में जाना पड़ता है, बहुत जगह जाना पड़ता है, तो बात नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताएंगे, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो उस लिंक के थ्रू जाके आप यूट्यूब टीम के साथ बात करना कर पाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको 2-3 स्टेप होता है, तो वो आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर वो स्टेप देते हो हाँ तो ही आपको बात होता है, नहीं तो आपको डायरेक्टली उसमें आर्टिकल मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आप लोग देख पा रहे हैं कॉन्टैक्ट अस बोल के एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन में अब मैं शॉर्टकट में रख दिया है कि क्योंकि अगर बात करना है यूट्यूब टीम के साथ तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए मैं ये शॉर्टकट की को सामने रख दिया है। जब आप इस कॉन्टैक्ट अस में आप टास्क करेंगे, टास्क करने के बाद आपको सामने ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। देखिए, ये जो पेज ओपन हुआ है, इस पेज में 3 स्टेप है, ये 3 स्टेप आपको कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें इससे पहले आपको जिस अकाउंट की या जिस चैनल के बारे में बात करना है उसी मेल को आप स्विच अकाउंट करके मेल सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद ही आप इसमें डालिएगा आपका क्यू, बात कर पाएंगे। तो इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको अकाउंट के बारे क्या हुआ है उसका प्रॉब्लम के बारे में लिखना होगा। लाइक आप मान लीजिए आपका जो अकाउंट है वो हैक हो गया, तो इसमें अकाउंट हैक लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद जाके आपको नेक्स्ट दबाएंगे। नेक्स्ट दबाने के बाद आपका सामने जो ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन आप सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट दबाइएगा। नेक्स्ट दबाने के बाद आपको ये जो ऑप्शन आ रहा है, इसी ऑप्शन के बारे में आप बात कर पाएंगे, इसी तरह का हेल्प मिलेगा। तो आपको नेक्स्ट में डालने के बाद आपको देखिए ये जो चैट ऑप्शन है अवेलेबल है, तो ये आप बात कर पाएंगे। अगर अवेलेबल नहीं रहते तो आप बात नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आपको चैनल का URL लिंक जो है वो आपको इसमें डालना पड़ेगा। अब ये यूनिक URL जो लिंक है चैनल का, वही आपको डालना पड़ेगा, नहीं तो आपको एक्सेप्ट नहीं लेगा। और जो ईमेल डालेंगे, चैनल का लिंक डालेंगे, अगर दूसरा चैनल का लिंक डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको जब बात तो होगा, लेकिन आपको पूरा प्रोसेस जानकारी आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यूट्यूब का पॉलिसी होता है दूसरा चैनल के कॉन्फिडेंशियल जो बात होता है वो आपको शेयर नहीं कर पाएगा। जिस ईमेल से आपका चैनल ओपन होता है उसी ईमेल से आप बात करिएगा। मेल के थ्रू आप बात करेंगे तो आपको सामने आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जब इसमें आपका URL डालेंगे, डालने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन में जो देख पा रहे हैं स्टार्ट में, ये वाला ऑप्शन में टच करेंगे तो आपको सेट स्टार्ट हो जाएगा। और सेट स्टार्ट होने के बाद मैं आपको थोड़ा सैंपल दिखाता हूँ। देख पा रहे हैं मैं सेटिंग कर रहा हूँ, और इसमें क्या होता है, आप जो लिखेंगे, आप यूट्यूब की तरफ से एक एजेंट है वो आपको रिप्लाई दे देगा, थोड़ा समय लगता है। ठीक है, और उसके बाद देख पाएंगे इसमें आपको कैसे काउंटर नोटिफिकेशन डालना है उसके बारे में मैं लिखा है। लिखने के बाद देखिए उनके तरफ से क्या आ रहा है, उनके तरफ से आप लिंक काउंटर नोटिफिकेशन जो लिंक होता है वो आपको फॉर्म का जो लिंक है वो दे दिया है। और ये लिंक ओपन करने के बाद आप जैसे काउंटर नोटिफिकेशन भी कर सकते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक के लिए, और आप इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। मिनिमाइज करके आप बैक में भी जा सकते हैं, बैक में जाके आप फिर से अंदर जा सकते हैं। जब भी आपको मेल का ऑप्शन आता है, मेल आता है तो आपको एक साउंड आता है, साउंड के माध्यम से आपको पता चलता है आपको मेल आया है। और इसके अगर सेटिंग ख़त्म होता है उसके बाद आपको सेटिंग का मेल भी मंगा। तो इसी तरह के आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप यूट्यूब के टीम के साथ बात कर सकते हो और आपका जो प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर सकते हो। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, कमेंट कर देना कौन सा तरह का वीडियो आपको चाहिए। तो मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।